हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज एक कटोरी सूजी या रवा से लाजवाब क्रिस्पी नमकीन या चिवड़ा बनाएंगे, जिसे आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बेसन से तो सेव और नमकीन चिवड़ा हम सभी बनाते हैं, लेकिन सूजी से बना हुआ ये सेव नमकीन चिवड़ा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत कुरकुरा लगता है। और हाँ, शाम की चाय के लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सूजी या रवा के सेव का आटा तैयार करने के लिए एक कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को माप लें। एक पैन या कढ़ाई में एक कटोरी पानी डालें। अब इसमें नमक जाएगा स्वाद के अनुसार और इसी के साथ में एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब पानी में एक बढ़िया सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और जैसे ही पानी में बॉइल आ जाए, गैस की फ्लेम को बंद कर दें। चलिए, अब हम इसमें धीरे धीरे एक कटोरी बारीक सूजी डालेंगे और बेलन की मदद से इसे लगातार चलाते रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं, सूजी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी एकदम नरम हो गई है और फूल गई है। अब हम इस मिश्रण को 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में सूजी के इस मिश्रण को एक बड़े बर्तन या परात में ट्रांसफर कर लें। अब देखिए, इस मिश्रण को हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। ये मिश्रण अभी हल्का सा गर्म है और इसे हम आसानी से छू सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें एक कटोरी चावल का आटा ऐड करेंगे। अब एक ज़रूरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि एक कटोरी सूजी के साथ में हमें एक कटोरी चावल का आटा लेना है। तो चलिए, पहले हम सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी भुरभुरा है और इसमें अभी तक अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं आई है। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालें और सेव के लिए मध्यम नरम आटा गूंदकर तैयार कर लें। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है, तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस्ट रेसिपीज को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। तो देखिए, सेव के लिए आटा बनकर तैयार हो गया है। इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। और इतना आटा लगाने के लिए लगभग आधा कटोरी पानी लगा है। चलिए, जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर चकली मेकर या सेव मशीन को तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर स्टील की सेव मशीन यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ में 2 सेव बनाने वाली जाली है। मैं यहाँ पर सेव बनाने के लिए मीडियम साइज वाली जाली का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो महीन जाली से भी सेव बना सकते हैं। तो मैंने मीडियम जाली वाली प्लेट को सेव मशीन में फिक्स कर लिया है। अब हम सेव मशीन के सभी पार्ट्स में तेल लगा लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। इस तरह से आटा सेव मशीन में चिपकेगा नहीं। लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। सेव मशीन भी तैयार है और आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। चलिए, ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं, आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है और बहुत सॉफ्ट है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आटा ज़्यादा हार्ड होगा तो आपको सेव बनाने में दिक्कत होगी। तो आटा नरम होना चाहिए, जिससे कि सेव मशीन से ये आसानी से निकल सके। अब इस आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़िए और इसे सिलेंड्रिकल शेप में रोल कर लीजिए। अब इस आटे को हम सेव मशीन में डालेंगे और सेव मशीन को बंद कर लेंगे। सेव डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल यहाँ पर हमें मीडियम हॉट चाहिए। अब हम कढ़ाई के ऊपर सेव मशीन रखेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए सेव बनाना शुरू करेंगे। और कढ़ाई में जितनी जगह हो, उतने ही सेव आप इसमें डालें। आप देख सकते हैं, इसमें कितना तेजी से झाग आ रहा है और ऐसे ही झाग आने चाहिए जब आप इसमें सेव डालें। इस समय हम सेव को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे या छेड़ेंगे नहीं। जब ये हल्के से सिक जाएंगे, तब हम इन्हें पलट देंगे। इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सेव का हल्का सा रंग बदल गया है और इसमें झाग भी कम हो गए हैं। हमें सेव का रंग ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो अब हम इसे हल्के हाथ से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। सेव को तलने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा है और आप देख सकते हैं कि सेव अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम आटे में से सभी सेव बनाकर तैयार कर लेंगे। ये सेव बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होते हैं, लेकिन खाने में बहुत सॉफ्ट लगते हैं। चलिए, इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप काजू लिया है और इसे मैंने बीच से हाफ कर लिया है। काजू को चम्मच की सहायता से लगातार चलाते हुए डीप फ्राई कर लें, जब तक ये हल्के से क्रिस्प नहीं हो जाते हैं और इनका हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाता है।
चलिए अब मैंने 1/4 कप बादाम लिए हैं और इन्हें भी मैंने बीच से हाफ कर लिया है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स को डीप फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। चलिए तले हुए बादाम को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब लेंगे 1/4 कप किशमिश। इस समय गैस की फ्लेम को लो रखें और किशमिश को डीप फ्राई कर लें। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है, तो इसे बहुत ज़्यादा न तलें। अब 1/4 कप मूंगफली लेंगे और इसे चम्मच की सहायता से लगातार चलाते हुए डीप फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स की मात्रा को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, मूंगफली अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप सूखे नारियल के स्लाइसेस डालेंगे। ये लीजिए, इसे भी हमने अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इसमें 1/4 कप भुनी हुई चने की दाल या फिर दालिया डालेंगे और इसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, दालिया भी अच्छी तरह से डीप फ्राई हो गई है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें सभी चीज़ों को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये जल सकते हैं और चिवड़ा या नमकीन का स्वाद खराब कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हैं और आप जितना तीखा चाहते हैं उस हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड करें। अब मिर्ची को हम क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करेंगे। ध्यान रहे, इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। चलिए अब हम इसमें खूब सारा करी पत्ता डालेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर डीप फ्राई कर लेंगे। और हरी मिर्च और करी पत्ता को हम अलग प्लेट में रखेंगे, इसे बाकी ड्राई फ्रूट के साथ में मिक्स नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, हरी मिर्च और करी पत्ता में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए और इसे आप अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक डीप फ्राई करें। अब एक बड़ा बर्तन या मिक्सिंग बोल लें और उसमें हरी मिर्च और करी पत्ता को छोड़कर सभी तली हुई सामग्री डाल दें। ये आवाज सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं सूजी के सेव कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। चलिए अब सूजी के नमकीन या चिवड़ा को हम चटपटा सा फ्लेवर देते हैं। 1 चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक लेंगे और 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे। और अब चिवड़ा या नमकीन को खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए 2 चम्मच पिसी हुई चीनी लेंगे। अब हल्के हाथ से हम सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला पूरे नमकीन में अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो देखिए, मसाला नमकीन में अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब हम इसमें डीप फ्राई की हुई हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे। अब एक बार फिर से सभी चीज़ों को आपस में हल्के हाथ से मिक्स कर लें। तो ये लीजिए, खट्टा मीठा चटपटा और कुरकुरा सूजी का नमकीन या चिवड़ा बनकर तैयार है। इसे आप खासकर दिवाली पर या किसी भी त्योहार में बना सकते हैं। जब ये नमकीन पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। ये कई महीनों तक खराब नहीं होता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा से कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।